Hi guys, this दिस इज शोमोजी बोनिक एंड वेलकम टू न्यू video फ्रॉम my चैनल बायो मेटकिट विद बोनिक सो guys, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे WhatsApp में कहो Instagram में कहो इवन YouTube के कमेंट बॉक्स में कहो मैसेज किया है कि भैया हम लोग तो फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन हो चुके हैं एडमिशन ले चुके हैं लेकिन इस टाइम इसके बाद जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट का और हर एक NEET aspirant का ड्रीम होता है उनके हाथ में क्या हो एक रियल स्केलेटन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि भैया स्केलेटन सिस्टम कैसे हम लोग खरीदें एंड स्केलेटन सिस्टम खरीदने से पहले कैसे हम लोगों को फैक्टर्स को मेंटेन करना होगा जिसके बेसिस में हम लोग स्केलेटन सिस्टम खरीदते हैं एंड ऑब्वियसली इसका प्राइस रेंज क्या होता है ये भी हमें बता दीजिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे हाउ टू तो बाई स्केलेटन सिर्फ तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे हाउ टू बाई स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सेट यूनिटर स्केलेटन का प्राइस क्या होता है एज वेल एज बाइलेटर स्केलेटन का प्राइस क्या होता है यह भी हम लोग इसी वीडियो में जान पाएंगे तो वीडियो को अंत तक देखना एंड ऑबली इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल तो चलिए गाइस विदाउट एनी फॉर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो तो स्केलेटन सिस्टम खरीदने से पहले जो जो फैक्टर और जो जो पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना होगा वो है फर्स्ट पॉइंट क्या है स्केलेटन का जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सकते हो दस साल पुराना कोई स्केलेटन सेट है जो क्या हो जो थोड़ा सा ब्रोकन है ठीक है एंड पांच साल पुराना कोई स्केलेटन है जो फ्रेश है तो ऑब्वियसली आप लोग आसानी से समझ सकते हो दस साल पुराना वाला जो स्केलेटन होता है उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा नए वाले से ठीक है यहां पर देख सकते हो मैंने जो स्केलेटन सेट खरीदा था वहां पर ये पोर्शन क्या था ये पोर्शन थोड़ा सा ब्रोकन था आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हो ठीक है तो ये हिप बोन का एक एग्जाम्पल मैंने दिया और भी दूसरे बहुत सारे बोन्स के एग्जाम्पल भी दूंगा सो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना ठीक है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट प्राइस तो आप लोगों से वो प्राइस कितना ले रहे हैं आप लोगों को छोटा सा फैक्ट बता रहा हूं अगर ओल्ड कोई एक स्केलेटन है ठीक है कोई एक सीनियर से आप लोग ले रहे हो और कोई एनाटोमिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ से ले रहे हो तो ऑब्वियसली अगर ओल्ड कोई स्केलेटन सिस्टम है तो उसका प्राइस ग्रेजुअली कम होता है फॉर स्केलेटन ये प्राइस 10 से के आसपास चलता है एंड फॉर न्यू न्यू न्यूनिटर स्केलेटन सिस्टम ये कितना प्राइस जाता है 14 टू फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास ये जाता है ठीक है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या होता है सेकेंड पॉइंट अगर आप लोग बाइलेटरल खरीदना चाहते हो ठीक है बायोलेटरल टोटल स्केलेटन सिस्टम तो यहां पर भी आपको दो तरह से डिविजन मिलेगा फर्स्ट वन इज न्यू ठीक है न्यू बायोलेटर स्केट सिस्टम का प्राइस जनरली बहुत ही हाई होता है 24 टू 25,000 25, के आसपास एंड ओल्ड सिस्टम का प्राइस जनरली टू के आसपास अगर आप लोग ढूंढो तो ये मिल जाएगा ये हो गया सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा द स्कल एंड द बेस ऑफ स्कल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स ठीक है ये

तो हमारा ये जो एंटायर स्कल है ठीक है जो क्रेनियल वॉल्ट है ठीक है ऊपर वाला पोर्शन अगर हम लोग यहां से काट दे तो हम जो पाते हैं हाथ में नीच वाला पोर्शन इसे हम कहते हैं बेस ऑफ स्कल यहां पर आप लोग देख सकते हो ये है बेस ऑफ स्कल ठीक है ये देख रहे हो ये है बेस ऑफ स्कल यहां पर जो वॉल्ट था ये वॉल्ट हमने हटा दिया दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ स्कल एंड मेडिकल में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए आपको जनरली बेस ऑफ स्कल ही लगता है एंड इवन आप लोग यहां पर देख सकते हो क्या यहां पर जो बेस ऑफ स्कल में बहुत सारा फोरामिनस होता है ये आपके मेडिकल में लगता है जनरली एंड यहां पर बहुत सारे बोन्स साइड में होता है ये फ्रंटल बोन हो गया ये लैक्रिमल लैकनिमालसेट्रा जो बोन्स आप लोग देख पा रहे हो ये क्या होता है ये होते हैं क्रेनियल बोन्स अगर आप लोग बेस ऑफ स्कल लेना चाहते हो ठीक है बेस ऑफ स्कल लेना चाहते हो तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा स्क्रेटन सिस्टम का लेकिन आप लोग अगर क्रेनियल बोन्स लेना चाहते हो तो इसका प्राइस जनरली

2K के आसपास मिल जाएगा स्केलेटन सिस्टम ठीक है ये हो गया फर्स्ट सेकेंड अगर आप लोग बोन्स के साथ लेना चाहते हो यूनिटरल तो आपको प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा 16 टू 17,000 17 के आसपास एंड अगर आप लोग बायोलेटर के साथ क्रेनियल बोन्स लेना चाहते हो तो हो जाएगा 24 टू 25,000 25 के आसपास जो वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द स्केलेटन सिस्टम जो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जो बोन्स आपको पहले देखना होगा दैट इज यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं ये हो गया फर्स्ट बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमेरस ठीक है ये 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 हो गया हमारा radius, ये हमारा रेडियस एंड थर्ड वन है यहां पर अल्नस तीन बोन्स इन अच्छे खासे कंडीशन में है या नहीं क्योंकि ये जो हाथ का हमारा अपर लिम जब आप लोग पढ़ोगे तो ये थ्री बोन्स आपको रटना पड़ेगा ऑस्टियोलॉजी में ठीक है ये हो गया फर्स्ट सेकेंड जो फैक्टर आपको देखना पड़ेगा वो है के के ठीक है पर फर्स्ट हो गया हमारा क्या ये हथौड़ा देख सकते आप हो आप लोग ठीक एंड ये फीवुला. ये बोन्स आपको रटना पड़ेगा ऑस्टियोलॉजी में विथ मसल अटैचमेंट इसलिए आपको ये अपर लिम के थ्री बोन्स एंड लोअर लिम के थ्री बोन्स पहले देखना पड़ेगा सिस्टम में कि ये टूटा है या नहीं है राइट right साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों ही ठीक है या नहीं ये आपको देखना ही देखना होगा आपको मैंने दिखा दिया आई थिंक आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई स्केलेटन सिस्टम को देखकर कौन सा बोन ठीक ठाक है या नहीं इसके बाद जो बोन आपको देखना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द हिप बोन दिस इज कॉल्ड अवर हिप बोन इलियम एंड प्यूबिस आप लोग एनसीआरटी में बहुत बार पढ़ चुके हो द हिप बोन अबाउट द हिप बोन हिप बोन को आपको देखना पड़ेगा ये वाला पोर्शन ठीक ठाक है मैंने जब खरीदा था इतना तो मैं नहीं जानता था ऑब्वियसली इसलिए जब मैंने खरीदा था ये वाला पोर्शन यहाँ पर टूटा था ठीक है वो मैंने नोटिस नहीं किया था इसलिए बाद में जब ऑस्ट्रियोलॉजी पढ़ रहा था बहुत ही डाउट्स क्रिएट हुए थे ठीक है तो आपको मैं एज ए सीनियर एज ए गाइड ये बता दे रहा हूं ये हिप बोन ठीक ठाक है या नहीं है ये आपको देख लेना है ठीक है ये एनाटेमिकल पोजिशन है एनाटेमिकल पोजिशन में ही एक एक बोन आपको पकड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ठीक है ये हो गया इंपॉर्टेंट बोन्स इसके बाद आते हैं हम लोग क्या स्कैपुला स्कैपुला स्कैपुला, स्कैपुला इन ठीक ठाक है या नहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा एनसीआरटी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं स्कैपुला के बारे में यहां पर रहता है जनरली ठीक है यहां पर शोल्डर में ये बोन ठीक ठाक है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा एंड लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वॉन्टेड दिस वन दिस इज द क्लेविकल क्लेविकल में क्या होता है जनरली अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो ठीक है

होते हैं ठीक है वर्टिब्रा में आप जनरली सभी लोग जानते हो कि वहां पर कितने वर्टिब्रश होते हैं सर्वाइकल थोड़ा सा एक लंबर एंड सैक्रम ठीक है ये तो सैक्रम इंटेक्ट है या नहीं है ये पहले आपको देखना पड़ेगा सैक्रम थोड़ा सा गुम हो गया है यहाँ पर इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं वेरी मच सॉरी एंड यहां पर और कुछ वर्टिब्रश जैसे लंबर थोड़ा सिक एंड सर्वाइकल ये वर्टिब्रा ठीक ठाक है या नहीं है ये भी आपको देख लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर वर्टिब्रा इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट इन आपको ये ऑस्टि में पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर कि वर्टिब्रा का डिस्क्रिप्शन ठीक है तो ये भी थोड़ा सा देख के लेना एवरी टाइप का वर्टिब्रा प्रेजेंट है या नहीं है तो हमने ग्रॉसली तो यहाँ पर कवर अप कर लिया है कैसे हमको को एक स्केलेटन सिस्टम को देखना होगा एंड कैसे हमें जनरली ये सबको देखकर चलना पड़ेगा ठीक है एंड इसके बाद देखना पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर को हमें इग्नोर करना है स्केलेटन सिस्टम खरीदने के लिए ठीक है एंड लास्ट में मैं बताऊंगा इंडिविजुअली मेडिकल कॉलेज में इंडिविजुअली क्या कोई स्केलेटन सिस्टम लगते हैं या नहीं है ठीक है तो चलिए वहां पर स्विच तो करते ऑफ ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग स्किल सिस्टम का जो ये कारोबार चलता है हम लोग जो खरीदते हैं इसका कोई लीगलाइजेशन नहीं होता है वो... बहुत सारे गार्जियन का ये क्वेश्चन होता है बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि तू जो स्केलेटन सिस्टम ले रहा है उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है और लीगलाइजेशन है तो ऑबियसली इसका कोई लीगलाइजेशन नहीं होता है जनरली क्या होता है सर्कुलेशन में ये चलते हैं मतलब आज मैंने एक स्केलेटन सिस्टम खरीदा कल क्या होगा वो स्केलेटन सिस्टम मैं कोई एक जूनियर को बेच दूंगा वो जूनियर क्या करेगा उसके नेक्स्ट ईयर में वो स्केलेटन सिस्टम वो बेच देगा एंड ऑब्वियसली इस तरह से ये सर्कुलेट होता है एंटायर वेस्ट बेंगल का हो एंटायर डिस्ट्रिक्ट का हो इंटायर मेडिकल

तो उन लोगों को मैं कहूंगा अगर आप लोग स्क्रेटन सिस्टम प्लेन में कहो बस में कहो ट्रेन में कहो ट्रेवल कर रहे हो लेकर एंड ऑब्वियसली आपको आपका मेडिकल कार्ड पॉकेट में रखना होगा मतलब कॉलेज जो मेडिकल आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड करता है वो आपको पॉकेट में रखना होगा एक ही रीजन है चांस अगर आप लोग फर्स्ट जाओ और पुलिस आपको पकड़ ले कि आप ये क्या क्यों ले जा रहे हो तो आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो एंड फॉर मेडिकल स्टूडेंट स्केलेटन सिस्टम कैरी करना इज ऑथोराइज एंड लीगलाइज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बताना जरूरी था एंड लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं माई ओपिनियन अबाउट स्केलेटन सिस्टम क्या स्केलेटन सिस्टम आपको खरीदना जरूरी है या नहीं चलिए वो भी देख लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोटिस नहीं करना है वो है यहां पर अगर फैलेंजेस प्रेजेंट नहीं है मतलब ये हैंड का ये ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं हैंड मतलब ये वाले पोर्शन को ये पोर्शन का अगर कोई बोन मिसिंग है तो दैट डजेंट मैटर फर्स्ट फैक्ट सेकेंड फैक्ट अगर टो का ठीक है का जो टार्सल प्रेजेंट नहीं नहीं है है और एक दो कम है, तो उसको लेकर घबराने की कोई जरूरत क्योंकि ये जो है, ये बोन्स होते हैं आपको जनरली पूछे नहीं जाते सिर्फ नाम जानने से ही आपको चल जाएगा ऑस्टियोलॉजी उतना बखूबी पढ़ना नहीं पड़ेगा जो सो का, का गाइस so अगर आप लोग कोई एक ऐसा स्केलेटन सिस्टम देखते हो जहां पर ये बोन्स थोड़ा सा कम है एंड पैर का थोड़ा बोन्स थोड़ा सा कम है मतलब टर्सल मेटाटर्सल कुछ कम है एंड आप लोग सस्ते में वो सेट पा रहे हो तो आप लोगों को मैं कहूंगा वो ही सेट आपको ले लेना है बहुत सारे चीज में स्केपुला कैसे क्या, तो क्या होता है ब्रोकन रहता है ये ब्रोकन आपको नहीं देखना है क्योंकि

दो तीन लोग मिलकर स्केलेटन सिस्टम खरीदते है। हैं सेकंड वन जो इंडिविजुअल बाई स्केलेटन सिस्टम खरीदते हैं एंड थर्ड वन जो स्केलेटन सिस्टम नहीं खरीदते हैं दूसरे स्टूडेंट के स्केलेटन सिस्टम में काम को चला लेते हैं ठीक है तो आपको मैं ये आपका डिसीशन है कि आप क्या करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग अगर रूम में रहते हो ठीक है दो तीन जन मिलकर रूम में रहते हो तो रूममेट्स मिलकर एक स्क्रेटन सिस्टम खरीद लो क्योंकि वो बायलेटरल स्क्रेटन सिस्टम इज इनफ फॉर योर स्टडीज एंड अगर मैं यही सोचू ट्वेंटी फोर थाउजेंड को स्क्रेटन सिस्टम का प्राइस है तो आप लोग अगर पर हेड सेवन पॉइंट फाइव थाउजेंड के आसपास दे दो तो ऑब्वियसली वो स्केलेटन सिस्टम आप लोगों का हो जाएगा ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड सेकेंड फैंड आप लोग ये भी कर सकते हो यूनिल स्केलेटन सिस्टम आप लोग खरीद सकते हो इंडिविजुअली अराउंड ट्वेल्व टू फोर्टीन के आसपास जिसका प्राइस बढ़ जाएगा एंड यही आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग उस प्राइस में ही वो स्केलेटन सिस्टम बेच भी सकते हो जूनियर्स को ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा एज ए सीनियर की क्रेनियल बोन्स मत खरीदना भाई लोग ऐसे ए सीनियर में आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि क्रेनियल बोन्स मत खरीदना भाई लोग क्योंकि एक ही रीजन है यहाँ पर अगर आप लोग क्रेनियल बोन्स खरीदते हो तो यहाँ पर जो जो फोरामिनास है और यहाँ पर जो जो फोरामिनास है ये आपको नहीं दिखेंगे एंड जो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दूसरे बॉडो करना पड़ेगा ठीक है तो ऑब्वियसली अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो बेस स्कल बेस ऑफ द स्कल के साथ ही स्केलेटन सिस्टम खरीदना फॉर इम्यूलिटर एंड बायलेटरल एंड जो जो फैक्टर मैंने बता दिया वो फैक्टर भी मेंटेन करना एंड दिमाग में रखे चलना कि ये फैक्टर भैया ने बता दिया था आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक like एंड एक शेयर तो बनता है एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि स्केटन सिस्टम ले, लेना जरूरी है या नहीं ठीक है आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा नीचे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एंड ऑब्वियसली व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आपको जो भी क्वेरी है वो मुझे पूछ सकते हो आज सिर्फ इतना ही नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ सरप्राइजेस को लेकर एंड और कुछ वीडियोस को लेकर तब तक के लिए स्टेट्यून विध बायोमेट बोनिक एंड कंग्रेस टू ऑल ऑफ यू गाइस क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हो एंड आपका मेडिकल जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है थैंक यू गाइस